Welcome friends, in today's session of a chapter called Salary Income. Before this we have calculated two sums based on gratuity. Today friends we are going to calculate one more sum based on gratuity which was asked in our university exam in October 2013. So let us first try to understand the details of the sum. Mr. Papi retired on 13th Feb 2020 from Narok Lok Limited with completing 32 years and 10 months services. He received rupees 10,02,756 as gratuity. The Gratuity Act of 1972 is not applied to such company. पहली पैराग्राफ में यानी कि पहली तीन लाइन में इंफॉर्मेशन दी गई है कि मिस्टर पापी नाम का जो व्यक्ति है वो एक कंपनी का नाम है नरक लोक कंपनी है, उसमें से रिटायर हो रहा है. रिटायरमेंट की डेट दी हुई है, कितने साल बाद रिटायर हो रहा है वो भी बता दिया है. 32 years and 10 months सर्विस. उसको ग्रेजुटी मिली है तकरीबन 10 लाख के आसपास. और ये जो उसको ग्रेजुटी मिली है इट इज नॉट कवर्ड अंडर द एक्ट. खास ध्यान रखना है इट इज नॉट अप्लाइड. पहले दो जो सम हमने किए थे उसमें इट वाज कवर्ड. जो ग्रेजुटी मिली है वो कवर्ड वाला पॉइंट वाला था, ये नॉट कवर्ड वाला पॉइंट है. इसका वैल्यूएशन ही टोटली डिफरेंट तरीके से होगा दोस्तों. जहाँ नॉट कवर्ड वाला होगा वहाँ आपने हाफ मंथ एवरेज सैलरी कैलकुलेट करनी हो, पहला पॉइंट ये ध्यान में रखना. और जहाँ हाफ मंथ एवरेज सैलरी कैलकुलेट करनी है वहाँ पे इनकम्प्लीटेड ईयर्स आपको कवर नहीं करना है. इनकम्प्लीट ईयर अगर होगा तो उसे हम, अगर ये 6 महीने से भी ज्यादा होगा तो हम उसको पूरा 1 साल नहीं मान के चलेंगे. तो यहाँ 32 years and 10 months ऑफ सर्विस है, भले 6 महीने से ज्यादा हो तो भी 1 साल इसे नहीं मानना है. इसे हम यहाँ पे कम्प्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस कितना लेंगे सर? 32 years लेंगे, यह भी हमने तय कर दिया है यहाँ पे. Every year he received rupees 200 as increment from 1st July. हर साल 1 जुलाई को 200 का इंक्रीमेंट यानी जो भी उसका बेसिक होगा बेसिक पे उसमें 200 रुपए का इजाफा हो रहा है, बढ़ रहा है. कि हर साल से इंक्रीमेंट मिलना जाए 12 महीने के बाद यानी 1 साल बाद उसकी सैलरी में थोड़ा हर कर्मचारी ये चाहता है. तो ये मिस्टर पापी के भी बेसिक पे के अंदर 200 रुपए का इंक्रीमेंट हो रहा है 1 जुलाई से. इसमें बेसिक में इंक्रीमेंट हो रहा है ऐसा नहीं बोला जाता है, इंक्रीमेंट जो है बेसिक पे ही होता है, ये आपको माइंड में रखना है. He also received dearness allowance as 50% of basic पे. बेसिक पे का 50% DA मिल रहा है ऐसा कह रहे हैं. For कैलकुलेशन ऑफ प्रोविडेंट फंड 70% DA इज टू बी कैलकुलेटेड. रिटायरमेंट बेनिफिट की भी डिटेल दी हुई है. जो PF यानी कोई भी रिटायरमेंट फंड हो यूं समझ लीजिए, उसका 70% DA ध्यान में लिया जाएगा कैलकुलेशन में. तो उसका भी हम ध्यान रखेंगे जब हम DA कैलकुलेट करेंगे. तो उसका जो भी वैल्यू आएगा बेसिक पे का 50% उसमें से 70% हम लेंगे वैल्यूएशन में. और जब हम कैलकुलेशन करेंगे आपको क्लियर हो जाएगा कैसे कैलकुलेशन करना. He was only with half pay with dearness allowance from date 1/5/2019 to 30 June 2019. लीव पे था, छुट्टी पे था, कितने 2 महीने के लिए छुट्टी पे था और उसमें उसको हाफ पे मिल रहा था विद आधा पगार मिल रहा था. He joined duty on 1/7/19. अगले ही दिन उसने ड्यूटी ज्वाइन कर ली. He received 23,900 as DA for the month of April 2019. हर जगह पे अलग अलग डेट्स दिखेगी. रिटायरमेंट डेट अलग, छुट्टी की अलग, इंक्रीमेंट की अलग, ज्वाइनिंग डेट अलग, बाद में रीज्वाइन यानी रीज्वाइन डेट अलग, DA आपको ये दिया हुआ. यानी आपको हर एक चीज़ का ध्यान रखना होगा वैल्यूएशन में. फाइंड आउट द टैक्सेबल ग्रेच्युटी फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21. चलिए इस प्रकार के सम का कैलकुलेशन कैसे होगा अब उस पर चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए. सो लेट अस कम टू द सॉल्यूशन नाउ. नोट्स हम पहले लिख लेते हैं क्योंकि जहाँ तक आपको थियरी इसके बारे में कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे तो आप सम स्टार्ट ही नहीं कर पाओगे. तो मेरे साथ साथ आप ये नोट्स लिखते रहिए दोस्तों. हियर इन दिस सम gratuity received by Mr. Papi is not covered under the payment of Gratuity Act 1972. और हमने यहाँ कहीं पे भी सब में ऐसा नहीं बोला है कि मिस्टर पापी जो है सर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, कहीं पे भी ऐसा उल्लेख नहीं है. जहाँ ऐसा उल्लेख ना हो आपको मान लेना है कि वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है. कैसा एम्प्लॉई है? नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है दोस्तों. तो ये आपने सबसे पहले डिसाइड करना होगा कि उसे जो ग्रेजुटी मिली है एम्प्लॉई को वो कैसी है, वेदर इट इज कवर्ड और नॉट कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ एक्ट. वो चेक कर लेना है. हमें पता चल गया सर इट इज नॉट कवर्ड, सब में बोला है तीसरी लाइन में. उसे जो ग्रेजुटी मिला है सर इट इज नॉट अप्लाइड टू सच कंपनी. जो एक्ट है उसके हिसाब से नहीं मिला। तो ये डिसाइड हो गया इट इज नॉट कवर्ड। और दूसरा ये डिसाइड किया हमने कि वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है तो फुल्ली टैक्स फ्री होता है ये भी आपको, लेकिन नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो इसका वैल्यूएशन होगा डिटेल में, कैलकुलेशन होगा डिटेल में। चलिए नोट नंबर 2 पे चलते हैं। इसके बाद अगर वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और ग्रेजुटी मिला है और वो भी नॉट कवर्ड अंडर द एक्ट है तो आगे आपको क्या चीज़ ध्यान में रखनी है सर? ये चीज़ ध्यान में रखनी है, इफ द एम्प्लॉय रिसीव्ड ग्रेजुटी अमाउंट इज नॉट कवर्ड अंडर द एक्ट, ऐसी सिचुएशन हो देन इग्नोर इनकम्प्लीट ईयर, यानी अधूरा साल है तो उसको हमें ध्यान में नहीं लेना है। हमने ऊपर ही डिसाइड कर लिया था सम पढ़ते वक्त कि 32 years and 10 months की अगर सर्विस है तो हमें यहाँ 10 मंथ्स को इग्नोर करना है। 10 मंथ्स हो, 4 मंथ्स हो, 6 मंथ्स हो, 8 मंथ्स हो, नॉट कवर्ड वाली सिचुएशन में अधूरा अगर साल है तो उसे हम फुल ईयर, कंप्लीट ईयर नहीं मानेंगे, उसको ध्यान में नहीं लेंगे। तो हम यहाँ 32 ईयर्स के हिसाब से वैल्यूएशन करेंगे दोस्तों। आगे और नोट्स पे अब हम चलते हैं। ये 2 फाइनल इंपॉर्टेंट नोट्स है, पहली 2 अगर वो क्लियर हो जाए तो आप सम स्टार्ट कर पाएंगे। अब नॉट कवर्ड वाली सिचुएशन में आप क्या क्या कैलकुलेट करोगे उस पर चलते हैं दोस्तों। अब तो अब आ जाते हैं सम के वैल्यूएशन पे। इस प्रकार के सम में आपने याद रखना है, मुझे हाफ मंथ एवरेज सैलरी कैलकुलेट करना है, लेकिन पहले आपने पिछले 10 महीने का पगार कैलकुलेट करना है। कवर्ड के अंदर हम सिर्फ 1 महीने का पगार ढूंढते हैं, आखिरी मंथ का, जब रिटायर होता है उस मंथ का हम सैलरी ढूंढते हैं। यहाँ क्या करना है, नॉट कवर्ड के अंदर जो रिटायरमेंट डेट है उसके पिछले 10 महीने का आपने सैलरी कैलकुलेट करना है दोस्तों। तो चलिए उस पे चलते हैं। यहाँ पे नोट लिख लीजिए, फर्स्ट फाइंड एवरेज मंथली सैलरी ऑफ लास्ट इमीडिएट प्रीसीडिंग 10 months फ्रॉम रिटायरमेंट। तो रिटायरमेंट की डेट के हिसाब से पिछले 10 महीने का आपने यहाँ पे सैलरी कैलकुलेट करना है। कब रिटायर हो रहा है? ही रिटायर्स ऑन 30 February 2020, ये रिटायरमेंट डेट है। फेब पूरा महीना नहीं है, इनकम्प्लीट मंथ है फेब। तो फेब को यहाँ क्या करेंगे सर? इग्नोर करेंगे। वी विल इग्नोर फेब्रुअरी, हम फेब्रुअरी को ध्यान में नहीं रहेंगे। तो हम कहाँ से वैल्यूएशन करेंगे? 31/3 कहाँ तक वैल्यूएशन करेंगे? 31/1/2020, ये हमारी आखिरी डेट होगी, यानी जनवरी 2020 कैलकुलेट करेंगे। हाँ सर, जनवरी 2020 कैलकुलेट करेंगे। और कहाँ से शुरू करेंगे? जनवरी 2020 से पिछले 10 महीने क्या होंगे सर? तो वो डिसाइड हो जाएंगे यहाँ पे। अप्रैल 19 से लेकर जनवरी 2020 तक 10 महीने का कैलकुलेशन हमें करना है। आसान है, जो रिटायरमेंट डेट है अगर वो डेट अधूरा है, अगर अधूरा है तो अधूरा महीना ध्यान में नहीं लेंगे, उससे पहले के पिछले 10 महीने का वैल्यूएशन हमने करना है। और वो 10 महीने कौन से, वो अभी हमने डिसाइड कर लिया, अप्रैल 19 से लेकर जनवरी 2020 तक। ये डिसाइड होने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या आपको और डिसाइड करना है, इस सब में आपको सैलरी कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? सैलरी। तो चलते हैं, क्या सैलरी की इंफॉर्मेशन हमें यहाँ दी हुई है डिटेल में? सर यहाँ पे आपको बेसिक पे नहीं दिया हुआ है। इस सम को आप ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ बेसिक पे नहीं मिलेगा। अगर बेसिक पे ही नहीं होगा तो आप सम कैलकुलेट कैसे करेंगे? बेसिक पे अगर रेडीमेड दिया हो तो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन इस समय बेसिक पे नहीं दिया है, लेकिन बेसिक पे का आधार दिया हुआ है। क्या आधार दिया हुआ देखते हैं। ही ऑल्सो रिसीव डीए एज 50% ऑफ बेसिक पे। बेसिक पे का 50% डीए है, तो क्या इस स्टेटमेंट से हम बेसिक पे कैलकुलेट कर सकते हैं? नहीं सर, सिर्फ परसेंटेज से कैसे कैलकुलेट करेंगे, कुछ अमाउंट भी तो होना चाहिए ना। तो नीचे और इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ही रिसीव 23,900 एज डी ए फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 19। अप्रैल 19 में डी ए की अमाउंट दी है आपको, इतनी है, यानी डी ए कितना है सर? 50%। 50% बेसिक का है, तो इसका अगर 100% कर देंगे तो हमें बेसिक पे मिल जाएगा। तो सम को यहाँ से स्टार्ट करना है आपको। इन दिस सम नो बेसिक पे मीन्स सैलरी, बेसिक पे नहीं दिया आपको, इज नॉट गिवन। सो फर्स्ट फाइंड आउट बेसिक पे, हमें बेसिक पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो चलिए अब चलते हैं बेसिक पे के कैलकुलेशन पे। तो हम सबसे पहले बेसिक पे कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे और हम अप्रैल 19 का बेसिक निकाल सकते हैं, क्योंकि अप्रैल 19 की एक अमाउंट यहाँ दी हुई है जो डीए है, और डीए कितना है? बेसिक का 50% है। तो यहाँ लिखना है अपने अच्छे से, एज ही रिसीव्ड डीए ₹23,900 which is 50%, which is 50% ऑफ द बेसिक पे। तो इसके बेसिस पे आप कैलकुलेशन कर सकते हैं बेसिक पे फॉर अप्रैल 19। एक महीने का बेसिक निकालना है, कितने महीने का? हमें 10 महीने का निकाल रहा है लेकिन हम शुरुआत कर रहे हैं एक महीने से। अप्रैल 19 का बेसिक पे निकालेंगे, ऐसे निकलेगा सर, मैंने कहा वैसे 50 के हिसाब से अगर 23,900 है तो 100 के हिसाब से कितना? तो आपको मिल जाएगा 47,800, यानी अप्रैल 19 का बेसिक मिल गया, एक महीने का बेसिक मिल गया 47,800। क्या यहाँ हमारा काम खत्म हो गया? नहीं सर, हमें क्या करना है सर, हमें अप्रैल 19 से लेकर जनवरी 2020 तक 10 महीने का सैलरी कैलकुलेट करना है। हमने सिर्फ एक महीने का बेसिक निकाला है। आगे बढ़ते हैं, फिर छुट्टी पे था वो, अप्रैल 19 के बाद 2 महीना वो छुट्टी पे था, 2 महीना 1/5/19 से लेकर 30 जून 19 तक बंदा छुट्टी पे था। तो उस छुट्टी की वैल्यूएशन पे चलते हैं, ठीक है। जो लीव पे था 2 महीने के लिए, उसका वैल्यूएशन देखते हैं। तो पॉइंट नंबर बी पे चलते हैं, हम बेसिक कैलकुलेट कर रहे हैं दोस्तों पिछले 10 महीने का, जिसमें से अप्रैल 19 का बेसिक हमें मिल चुका है। ऑन लीव फॉर 2 मंथ्स मई एंड जून, मई और जून का अब हम बेसिक निकालने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ जो है ना उसको ये 2 महीने के लिए आधा पगार मिल रहा था, तो लिखना है लीव विथ हाफ पे। चलिए, सो एक महीने का पगार कितना है, अभी हमने डिसाइड किया बेसिक कितना है एक महीने का 47,800, आधा पगार मिल रहा है। हाँ सर, आधा पगार मिल रहा है 2 महीने के लिए, क्योंकि वो छुट्टी पे था, तो आधा कर देंगे, इसका कितना हो गया 23,900। कितने महीने छुट्टी पे था सर? 2 महीने के लिए। तो आपके अगले 2 महीने का बेसिक डिसाइड हो गया, मई और जून 19 का बेसिक 47,800 हो गया। अब 47,800 जून तक का है, जून 19 के बाद एक स्टेटमेंट है हमारा यहाँ पे 1 जुलाई का। हर साल 1 जुलाई में उसका जो है 200 का इंक्रीमेंट उसे मिल रहा है, तो अब हम इसके अंदर इंक्रीमेंट ऐड करेंगे। क्या करेंगे? इंक्रीमेंट ऐड करेंगे। अगली वैल्यूएशन के लिए बेसिक चेंज होगा हमारा, यहाँ से आपका बेसिक चेंज होगा, बेसिक फ्रॉम 1/7/19 विल बी कंसिडर्ड विथ इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट ऐड किया जाएगा। जून तक हमारा बेसिक 47,800 है, लेकिन 1 जुलाई से हर साल आपका बेसिक 200 रुपया बढ़ रहा है, तो आपने ऐड कर देना है। तो अब जुलाई से लेकर आगे 1/7/19 से लेकर अगले 12 महीने तक आपका बेसिक कितना हो जाएगा? 48,000 बेसिक हो जाएगा। ये बेसिक कैलकुलेशन है, ये बेसिक कैलकुलेशन आपको समझ में आना चाहिए, हम बेसिक का ही कैलकुलेशन कर रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, मुझे 10 महीने का पगार चाहिए। अब मैं मेन वर्किंग नोट्स पे आऊंगा। ये सब या क्या कहते हैं सर, ये सिर्फ बेस था, आपको बेस दिया मैंने, कुछ ऐसा कैलकुलेशन आपने करना है। अब हम मेन कैलकुलेशन पे चलेंगे। यहाँ पे दोस्तों वर्किंग नोट नंबर 1 दे दीजिए, मुझे कैलकुलेट करना है 10 महीने का सैलरी। मुझे एग्जैक्टली क्या कैलकुलेट करना है? एवरेज मंथली सैलरी निकालना है। सैलरी की डेफिनेशन क्या होगी यहाँ पे खास ध्यान रखना, बेसिक प्लस डीए प्लस कमीशन, कमीशन ऑन सेल्स अगर दिया हो तो लेना है, नॉट कवर्ड में लेना है, कवर्ड में कमीशन नहीं आएगा, माइंड में रखना आप दोस्तों। चलिए, तो मैंने अप्रैल 19 का बेसिक निकाल दिया। मैं सबसे पहले बेसिक पे फोकस करूंगा, मैं पहले बेसिक निकालूंगा। अभी मैं जो कैलकुलेशन कर रहा हूं, आप चाहे तो लिख सकते हैं, बेसिक का कैलकुलेशन कर रहे हैं, इट इज बेसिक। हम बेसिक पे आ रहे हैं, बी फॉर बेसिक। हम पहले बेसिक कैलकुलेट कर रहे हैं, अप्रैल 19 का बेसिक हमने कैलकुलेट किया 47,800। फिर हमने 2 महीने जो छुट्टी पे था उसका भी बेसिक निकाला था, यही आ रहा था, आधा पगार था इसलिए यही आ रहा है 47,800। आगे का हमने वैल्यूएशन नहीं किया था, लेकिन हाँ हमने आगे के वैल्यूएशन के अंदर बेसिक निकाल लिया था कि जुलाई से बेसिक बदल रहा है 48,000। मुझे कहाँ तक कैलकुलेशन करना है सर? मेरा कैलकुलेशन फिक्स है, मुझे कैलकुलेशन करना है अप्रैल 19 से लेकर जनवरी 2020 तक मुझे कैलकुलेशन करना है। मैंने 3 महीने का बेसिक दिया, मुझे और 7 महीने का बेसिक कैलकुलेट करना है, 7 मंथ्स। अब मैं वो कैलकुलेट करूँगा। सो जुलाई 19 से लेकर जनवरी 2020 तक मेरा बेसिक सेम रहेगा 48,000, और ये 7 महीने हो रहे हैं तो उसका कैलकुलेशन हो जा रहा है 3,36,000। यानी अब आप ध्यान से देखिए, अप्रैल 19 से लेकर जनवरी 2020 तक का मेरा बेसिक ये रहा। ऊपर के 3 महीने में बेसिक अलग अलग हो रहा था, इसलिए अलग अलग मैंने यहाँ लिखा है। जुलाई से जनवरी तक का बेसिक सिमिलर पैटर्न का है, इसलिए मैंने एक साथ ले लिया। अब मैं यहाँ पे 10 महीने का जो मेरा बेसिक हो रहा है उसको मैं यहाँ पे टोटल ले लूंगा। 10 महीने का बेसिक रेडी हो गया आपका। बेसिक पे फाइनल 4,31,600, ये आपका सैलरी नहीं है, ये अभी बेसिक है, पार्ट ऑफ सैलरी बेसिक। इसके अंदर अब डीए का कैलकुलेशन करना है अपने दोस्तों। 0.1 कंप्लीट हुआ बेसिक, अब मैं डीए को पकड़ूंगा, डीयरनेस अलाउंस। अब चलिए डीए को कैलकुलेट करेंगे। डीए कैसे कैलकुलेट होगा वो इंटरेस्टिंग है। इस बेसिक के अंदर आप डीए ऐड करेंगे, 4,31,600 में डीए ऐड करेंगे। डीए कैसे ऐड करना है, तो प्लस डीए, डीए बेसिक पे कैलकुलेट होगा। सबने स्पष्ट बोला है, कहाँ बोला है, ये रहा, ही ऑल्सो रिसीव्ड डीए एज 50% ऑफ बेसिक। बेसिक आपका अगर सही आएगा तो उसका 50% लेना है, तो 4,31,600 का 50% डीए निकालना है, यानी आधा हो जाएगा। उस आधे का 70% लेना है, क्योंकि रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए डीए को 70% के हिसाब से आपने ध्यान में लेना है। रिपीट कर रहा हूँ, 4,31,600 का आप 50% निकालेंगे, एग्जैक्ट आधी रकम हो जाएगी। उस आधी रकम का 70% निकालना है, बाद में जो अमाउंट मिलेगी आपको 1,51,60। तो यहाँ पे आपका कमीशन नहीं है इस समय, इसलिए कमीशन की एंट्री नहीं आएगी। अगर सेल्स कमीशन ऐड करता वैल्यूएशन इंफॉर्मेशन, ये हो गया 10 महीने का पूरा रेडी। ये इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेट करना आना चाहिए आपको दोस्तों। कैलकुलेशन वो ग्रेजुटी कैलकुलेट अच्छे से, ये है ना 10 महीने का पगार। सैलरी हेडिंग क्या है हमारी, एवरेज मंथली सैलरी, एवरेज निकालनी हमारी। इसकी पे चल रहे जो हमारा डिवाइड बाय निकालना है एक महीने का, तो 58,266 एवरेज मंथली सैलरी मेरा रेडी है। अगर मेरा ये कैलकुलेशन कंप्लीट हो गया तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ। एवरेज मंथली सैलरी रेडी हो गया मेरा दोस्तों, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। मेरा वर्किंग नोट नंबर 2 आएगा बाद में और उस पर चलते हैं। मेरा वर्किंग नोट नंबर 2 में मैं आपका कैलकुलेट करूंगा नॉट कवर्ड के अंदर। पहली शर्त क्या है, आपको शर्तें याद होनी चाहिए। पहली शर्त क्या है, मुझे हाफ मंथ एवरेज सैलरी कैलकुलेट करना है दोस्तों। हाफ मंथ एवरेज सैलरी कैलकुलेट करना है दोस्तों, ठीक है। हाफ मंथ एवरेज सैलरी कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होगा, हाफ मंथ एवरेज सैलरी कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला रखना होगा। हाफ फॉर्मूला क्या है, हाफ मल्टीप्लाई बाय कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस मल्टीप्लाई बाय एवरेज सैलरी, ये आपने रखना है दोस्तों। इतनी चीजें आपने रखनी है, ठीक है। सो इतनी चीजें आपने कैलकुलेशन में रखनी है फॉर्मूला में। हाफ फॉर्मूला में ही है, यानी पॉइंट में ही है। हाफ मंथ एवरेज सैलरी हमने अभी निकाली, वो लेंगे। कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस हमने ऊपर डिसाइड किया था, 32 ईयर्स लेंगे। इनकम्प्लीट ईयर इग्नोर करेंगे, अधूरा साल ध्यान में नहीं लेंगे नॉट कवर्ड में। तो हाफ मल्टीप्लाई बाय 32 ईयर्स मल्टीप्लाई बाय 58,266 करेंगे, तो मुझे पहली शर्त का अमाउंट मिल जाएगा रुपीज 9,32,256 आ रहा है दोस्तों। ये रकम अगर आपको मिल जाए तो आप आगे बढ़ सकते हैं। आगे अब हम क्या करेंगे सर, एक स्टेटमेंट बनाएंगे छोटा सा। सबसे पहले आपने इस तरीके से पूरा वर्किंग नोट करना है दोस्तों। वर्किंग नोट कंप्लीट हो जाने के बाद आपने क्या करना है, जो एग्जम्प्टेड अमाउंट होगी उनकी जो शर्तें हैं, एग्जम्प्टेड की जो शर्तें हैं वो रखनी है और उसमें से एग्जम्प्ट अमाउंट निकालनी, दूसरा स्टेप। और तीसरा स्टेप, एग्जम्पशन निकालने के बाद टैक्स फ्री अमाउंट फाइनल करने के बाद आप टैक्सेबल वैल्यू ढूंढेंगे। 3 स्टेप में ग्रेजुटी कंप्लीट होगा आपका। पहले जो भी ज़रूरी वर्किंग नोट है जिसमें नॉर्मली अगर कवर्ड है तो आपने 15 डेज सैलरी कैलकुलेट करना है, नॉट कवर्ड है तो आपने हाफ मंथ एवरेज सैलरी कैलकुलेट करनी है। और हाफ मंथ एवरेज सैलरी कैलकुलेट करने के लिए पहले आपको सैलरी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, जिसका मतलब है बेसिक प्लस डीए प्लस कमीशन। वो जब आप 10 महीने का सैलरी ढूंढ लेंगे उसमें से फिर एवरेज निकाल लेनी है एक महीने की, तब जाके आपका फाइनल अमाउंट इस तरीके से रेडी होगा दोस्तों, ठीक है। तो ये कुछ आपका वैल्यूएशन होगा यहाँ पे ऐसा। अब चलते हैं कंडीशन वाले पॉइंट पे, दो कॉलम रेडी कर दीजिए, हेडिंग दे दीजिए कंप्यूटेशन ऑफ एग्जम्प्टेड अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी ऑफ मिस्टर पापी। दो कॉलम बना दीजिए, कंडीशंस एंड अमाउंट। पहली शर्त वही रखनी है जो अभी हमने कैलकुलेट की है, पहली शर्त वही है हाफ मंथ एवरेज सैलरी एज पर वर्किंग नोट नंबर 1, अभी हमने किया है यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 2 है तो 2 कर दीजिएगा एज पर वर्किंग नोट नंबर 2। ये हमने कैलकुलेट किया है इसलिए मैं यहाँ पे इस रकम पे भी यहाँ पे ऐसे स्टार कर देता हूँ, इसमें आपको पता चले कि हमने कैलकुलेट किया, ये सब में नहीं होता है, इसी के कैलकुलेशन के मार्क्स हैं। दूसरा पॉइंट जो है सर वो फिक्स है। दूसरा पॉइंट क्या है सर, मैक्सिमम अमाउंट एज पर रूल्स 20 लाख है, तो वो 20 लाख से ज़्यादा आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। 20 लाख ये मैक्स लिमिट है वेदर कवर्ड और नॉट कवर्ड एज पर लेटेस्ट रूल्स। और ग्रेच्युटी एक्चुअली रिसीव्ड जो सबने दिया है, हमने शुरुआत में देखा था इतनी ग्रेच्युटी मिली है एक्चुअल में कितनी मिली है सर 10,02,756। अब इन 3 रकम अगर जो हमने फाइनल कर लिए उसके बाद हमें जजमेंट देना है। जजमेंट क्या होगा सर, अब हम डिसाइड कर सकते हैं कि इसमें से जो कम रकम होगी वो हमारी टैक्स फ्री ग्रेच्युटी होगी, एग्जम्प्टेड ग्रेच्युटी होगी। सो लिस्ट ऑफ द अबव थ्री इज रुपीज 9,32,256 विच इज एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स। इतनी रकम का हमें एग्जम्पशन मिलेगा, इतनी रकम पे टैक्स नहीं लगेगा। ये फाइनल हो जाए जैसे ही ये आपका दूसरा स्टेप कंप्लीट हुआ। पहला स्टेप था हाफ मंथ एवरेज सैलरी ढूंढना जो हमने ढूंढी, दूसरा स्टेप था एग्जम्प्टेड ग्रेच्युटी निकालना वो किया, तीसरा स्टेप है टैक्सेबल ग्रेच्युटी फाइनल करना, क्योंकि सब में आपको वही पूछा है, फाइंड आउट टैक्सेबल ग्रेच्युटी। टैक्सेबल तभी मिलेगी जब आप एग्जम्प्टेड ढूंढते हो, नियम याद रखना, रूल याद रखना। तो टैक्सेबल ग्रेच्युटी का फॉर्मूला क्या है सर, रिसीव्ड अमाउंट माइनस एग्जम्प्टेड अमाउंट। रिसीव्ड कितना है अभी हमने स्टेटमेंट में लिखा ऊपर, रिसीव्ड कितना है सर 10,02,756, एग्जम्प्टेड अभी हमने डिसाइड किया 9,32,256। जो डिफरेंस आएगा उस पर लगेगा टैक्स, वो जाएगा स्टेटमेंट में। तो टैक्सेबल ग्रेच्युटी फाइनल अमाउंट पे आ जाते हैं 70,500। ये हो गया आपका फाइनल अमाउंट। आपकी दोस्तों कोई भी क्वेरी हो आप चैट बॉक्स में टाइप करते रहिएगा। सो 70,500 ये फाइनल टैक्सेबल। तो यहाँ पे हमारा ग्रेच्युटी का ये सम सर कंप्लीट हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम है ये, फाइनल्स में इस प्रकार के सम्स पूछे गए हैं दोस्तों, और आपने इतना वैल्यूएशन करके इसको कैलकुलेट करना है इस तरीके से फाइनल वैल्यूज।